राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी। उसमें भी यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। नंबर 2 से जो जुड़ी हुई ऊर्जा है उसका मूलांक 2 वाले व्यक्ति के जीवन पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, उसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कैसा होता है आपका व्यक्तित्व, कौन सा कैरियर आपके लिए अच्छा रहता है, आपके लकी नंबर, कंपैटिबल नंबर कौन से होते हैं, लकी कलर कौन से होते हैं, साथ ही में आपकी उम्र के कौन से ऐसे भाग्यशाली वर्ष होते हैं जहाँ पर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बड़े बदलाव होते हैं। जो दर्शक मूलांक निकालना नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी जन्म की तारीख के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लिया जाता है सिंगल डिजिट में, तो आपका मूलांक निकल कर आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म 11 तारीख को हुआ है तो 1+1=2 आपका मूलांक हो गया। यदि आपका जन्म 29 तारीख को हुआ है तो 2+9=11 आ गया, और फिर से जब 1+1 किया तो आपका मूलांक 2 आ गया। नंबर 2 की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं चंद्रमा, मतलब चंद्रमा के गुण और विशेषताओं की मूलांक 2 वालों के जीवन में प्रधानता होती है, इसका अधिक प्रभाव होता है। सबसे पहले समझते हैं मूलांक 2 वालों के व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व को जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके जीवन के जो 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, आपका निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन, वो अगर आपके व्यक्तित्व के अनुसार ही हो तो ये अच्छा रहता है। चंद्रमा जल तत्व के नियंत्रक हैं, मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, आपका मूड, आपका मन, आपकी भावनाएं, संवेदनशीलता के कारक हैं, साथ ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी कंट्रोल करते हैं और माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। माता की तरह का जो पोषण होता है, नर्चरिंग होती है, उसके भी कारक चंद्रमा होते हैं। मूलांक 2 वाले जो लोग हैं उनके व्यक्तित्व को भी मूड, भावनाएं, मन, संवेदनशीलता, ये सब गहराई से प्रभावित करते हैं। भावना प्रधान संवेदनशील लोग होते हैं मूलांक 2 वाले। जैसे जल में बहुत सारी चीजें जल्दी घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी तरह आप भी जल्दी लोगों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। लोगों को भी आपसे जुड़ना अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत केयरिंग होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, अपने आसपास वालों को एक हीलिंग टच देते हैं जब आप उनसे बात करते हैं। बहुत से लोग आपको जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें लग नहीं रहा है कि हम और आप पहली बार मिले हैं। आप लोगों को प्रभावित भी कर पाते हैं और इसके साथ ही आप भी जल्दी दूसरे लोगों से प्रभावित भी हो जाते हैं। जनरली शीतल जल की तरह शांत स्वभाव होता है आपका। वाद विवाद में पड़ना, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी से जुड़ना, ये सब आपको पसंद नहीं होता है। टफ सिचुएशंस में भी आप बातचीत से रास्ता निकालने में विश्वास करते हैं, पीस मेकर्स होते हैं, शांति की तरफ बढ़ने वाले। उदाहरण के लिए गुरु नानक देव 11 नवंबर, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, इन सब का मूलांक 2 था, जिन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया। लोगों को, चीजों को जोड़ने में आपका विश्वास होता है। जनरली याददाश्त आपकी बहुत अच्छी होती है, एकाग्रता के साथ आप काम करते हैं, लेकिन वो काम आपकी पसंद का होना जरूरी है। कल्पना शक्ति भी आपकी अच्छी होती है और बहुत से मूलांक 2 वाले लोगों की इंट्यूटिव पावर, पूर्वाभास की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। मूलांक 2 वालों के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन को देखें तो आप उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना जरूरी नहीं होता, बहुत ज्यादा लीडरशिप स्किल्स की जरूरत नहीं होती, जहां पर सेवा भाव की प्रधानता हो, इन क्षेत्रों में आप सफल होते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साथ ही में रिकी हीलिंग, ज्योतिष वगैरह का काम भी आप कर सकते हैं। आप हर सिचुएशन में, हर तरह की टीम में एडजस्ट हो सकते हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशंस के जो काम है, पीआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, बैंकिंग है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, मीडिया है, जर्नलिज्म है, इन क्षेत्रों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, होटल बिजनेस है, फूड एंड बेवरेजेज का काम है, रेस्टोरेंट से संबंधित काम है, पानी यानी कि वाटर से संबंधित जो काम होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, सचिव पद पर काम करते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, चाइल्ड केयर का काम है, टीचिंग का काम है, स्कूल और हॉस्पिटल को रन करना है, ये सारे क्षेत्र भी आप ही के लिए बने हैं। इसके अलावा जिन कामों में काफी ट्रेवलिंग होती है उन कामों में भी आपकी सक्सेस अच्छी रहती है। आर्ट एंड क्रिएटिविटी में भी मूलांक 2 वाले अच्छा करते हैं। चंद्रमा के अंदर 16 कलाएं होती हैं, आपकी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर या डिजाइनर हो सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 2 से जुड़े अवगुणों की। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है तथा अमावस्या तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक चंद्रमा बढ़ते रहते हैं और उसके बाद
पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक घटते रहते हैं, जिसे वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून कहा जाता है। इसीलिए सभी घरों में जो ऐसी स्थिर ऊर्जा होती है वो भी चंद्रमा की ही होती है। बहुत बार मूलांक दो वाले व्यक्तियों के मन में भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, आपके जो इमोशंस है उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, मूड स्विंग्स होता है, मन कभी अच्छा हुआ मन कभी खराब हुआ, जिससे दुविधा कंफ्यूजन उत्पन्न होते हैं। मूलांक दो वाले इसी कारण से बहुत बार महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते, या निर्णय लेते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, या दूसरों के द्वारा लिए गए निर्णय आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। जल तत्व की प्रधानता होती है, जिसके कारण जो प्रैक्टिकलिटी है व्यवहारिकता का जो तत्व है वो कमजोर होता है। इसी कारण बहुत बार रिश्तों में निजी जीवन में तथा प्रोफेशनल लाइफ में आपको सेटबैक लगते हैं, आप कार्यों को अपने टारगेट को अच्छी तरह से फिनिश नहीं कर पाते। मूव ऑन जो एटीट्यूड होता है, लेट गो जो वाली जो सोच होती है वो आपकी काफी कमजोर होती है। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण आप हर जगह अपनी जो दिल की बातें हैं वो शेयर कर देते हैं, जिसका लोग फायदा उठा लेते हैं। काफी बार आपको रिश्तों में धोखा भी मिल जाता है, बहुत बार आपको काफी खराब संगति मिल जाती है, क्योंकि आप लोगों से जल्दी प्रभावित होकर इमोशनली उनसे जुड़ जाते हैं। अगर हम चंद्रमा की परम नकारात्मकता एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट की बात करें जो मूलांक दो वालों पर पड़ सकता है, तो जो सभी तरह की हेलोसिनेशंस होती हैं, एडिक्शंस होती हैं, मानसिक बीमारियां होती है, साथ ही जो चरित्रहीनता होती है, ये सब भी चंद्रमा की ऊर्जा दे सकती है। अब बात करते हैं मूलांक दो वालों के लिए दूसरे कंपेटिबल नंबर्स की, कि किन मूलांक वालों के साथ मूलांक दो वालों की अच्छी बनती है तथा किन के साथ इनके इश्यूज ज्यादा रहते हैं। कंपेटिबिलिटी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपेटिबिलिटी दो तरह से देखनी चाहिए, एक निजी रिश्तों के लिए और दूसरा व्यावसायिक जीवन के लिए, क्योंकि मूलांक दो वालों के लिए जो दूसरे मूलांक है उनमें एक ही जो दूसरा मूलांक है वो आपके निजी जीवन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके व्यावसायिक जीवन के लिए अच्छा ना हो, या हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा हो लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा ना हो। तो मूलांक एक और मूलांक नौ वालों के साथ जो कंपेटिबिलिटी है मूलांक दो वालों की, ये जनरली अच्छी देखी जाती है। इसका मतलब है कि 1, 10, 19 या 28 तारीख, साथ ही में 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जो जन्मे लोग होते हैं उनके साथ मूलांक दो वालों का निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन अच्छा चलता है, क्योंकि मूलांक एक और मूलांक नौ वालों का जो एग्रेशन होता है उसको एक बैलेंसिंग टच मिलता है मूलांक दो वालों से। मूलांक दो वालों को भी जो अपने कार्यों में एक फिनिशिंग टच चाहिए होता है वो उस तरह का हुनर मूलांक एक और नौ वालों से मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये ऊर्जाएं हैं आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। सूर्य मंगल और चंद्रमा आपस में परम मित्र भी हैं। मूलांक तीन वालों के साथ भी इनकी ठीक ठीक ही रहती है। चंद्रमा और बृहस्पति आपस में परम मित्र भी हैं और बृहस्पति को जो चंद्रमा का जल तत्व है वो बहुत ज्यादा पसंद भी है। मूलांक चार वालों के साथ बात करें तो ये राहु का होता है, जिसके अंदर सडननेस का, इमेजिनेशन का और बदलाव वाला एलिमेंट होता है। तो मूलांक दो और मूलांक चार वालों की जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो अच्छी रहती है जनरली, लेकिन निजी जीवन जो है लव लाइफ और आपका जो मैरिटल लाइफ है उसमें आपको परेशानी रहेगी। मूलांक पांच के साथ, मूलांक पांच जो है वो बुध के द्वारा नियंत्रित होता है। चंद्रमा और बुध आपस में शत्रु हैं, फिर भी इनकी निभ जाती है, क्योंकि मूलांक पांच में व्यवहारिकता का जो तत्व है वो ज्यादा रहता है, अच्छा रहता है। बुध जो है पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करते हैं और मूलांक दो का जो इमोशनल एटीट्यूड है उसको वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मूलांक छह की बात करें तो ये शुक्र का होता है। चंद्र और शुक्र भी मित्र नहीं है, दोनों ही जल तत्व के भी हैं, तो निजी जीवन जो है इनका फिर भी ठीक रहता है लेकिन प्रोफेशनली ये सफर करते हैं। मूलांक सात वालों के साथ बात करें तो ये केतु का होता है। यदि मूलांक दो वाले का काम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इमेजिनेशन इंट्यूशन से संबंधित है, साइकोलॉजी का काम है या रिसर्च के स्टफ से आप जुड़े हैं तो आपकी जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी, लेकिन निजी जीवन में प्रैक्टिकलिटी की कमी की वजह से मूलांक दो और मूलांक सात का जुड़ना बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता। मूलांक आठ की बात करें तो ये शनि देव का है, इनसे हमेशा आपको सावधान रहना ही चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए लकी कलर्स की, कि कौन से रंग आपके लिए शुभ रहते हैं। तो व्हाइट कलर, क्रीम कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, ये आपके लिए अच्छे हैं। लकी ईयर्स की बात करें कि आपके लिए उम्र के कौन से वर्ष होते हैं जो आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित होते हैं, तो आपकी उम्र का जो 11वां वर्ष है, 20वां वर्ष है, 29वां वर्ष है, 38वां वर्ष है, ये आपके जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय होता है। इन वर्षों में आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेने चाहिए। आगे भी जो वर्ष का टोटल दो आ जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे 47वां वर्ष, 56वां वर्ष काफी इम्पोर्टेंट होते हैं।
इसी तरह महीने की जो 2, 11, 20, 29 तारीखें होती हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, शुभ है। इन तारीखों पर यदि वार भी सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार या रविवार आ जाता है तो इनकी शुभता और भी बढ़ जाती है। मूलांक 2 वाले लोगों की, मतलब 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को जन्मे लोगों की आपस में यदि हम तुलना करें तो 11 तारीख वाले जल्दी सफलता पा जाते हैं। इन पर ओवर सेंसिटिवनेस का प्रभाव जो है, चंद्रमा का अति संवेदनशीलता का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, ये काफी कम होता है। 29 तारीख वाले दूसरे नंबर पर आते हैं, ये भी इमोशनली बेहतर होते हैं, स्टेबल होते हैं। फिर आते हैं 2 तारीख वाले और उसके बाद आते हैं 20 तारीख वाले। ये जो सीक्वेंस है, ये मूलांक 2 वालों के साथ जुड़ा रहता है जीवन में शुभता पाने का। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों के लिए सक्सेस टिप्स की। मूलांक 2 वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अपने इमोशंस को, मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखने का अभ्यास करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर किसी के सामने अपनी जो मन की बातें हैं उनको शेयर आपको नहीं करना चाहिए। मूव ऑन एटीट्यूड को बढ़ाना, साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा ना होने देना, मतलब प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता का जो तत्व है वो अपने लाइफस्टाइल में लाना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपके व्यक्तित्व को संतुलन मिलेगा। योगा मेडिटेशन करना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होती है। हालांकि ध्यान लगाना मूलांक 2 वालों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की जो ऊर्जा है ये काफी चंचल होती है, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप ये कर पाएंगे। दूसरी बात कि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं, तो भगवान शिव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। निरंतर शिव पुराण का पाठ भी आप नियमित रूप से कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो एकादशी व्रत को रखना ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है, क्योंकि जो एकादशी तिथि है ये अमावस्या और पूर्णिमा तिथि से 3 दिन पहले आती है। महीने में 2 एकादशी तिथि आती है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर मूड स्विंग्स की जो समस्या है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी व्रत मन पर नियंत्रण रखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, चंद्रमा की ऊर्जा को बैलेंस करना मूलांक 2 वालों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये मन को नियंत्रित करते हैं और मन बहुत शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। इसकी ऊर्जा में बहुत वेरिएशन भी होती है। अभी हमने बात की कि लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, गुरु नानक देव जी की, कि उनका जो मूलांक है वो 2 है, लेकिन इसके साथ ही एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल और बेनिटो मुसोलिनी 29 जुलाई, इन जैसे तानाशाहों का भी मूलांक 2 था। तो इससे आप मूलांक 2 की जो वेरिएशंस हैं उसको समझ सकते हैं, क्योंकि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत। राम राम।